सिंधिया जी के कारनामे ही ऐसे थे। हाँ तो उन्होंने डाला दबाव कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खोलूं तेरी पुरानी चिट्ठी क्या बोल, ऐसा दबाव डाला क्या करे बेचारा सिंधिया, गया बे मौत मारा गया उधर, अब क्या है पंच भी नहीं होगा उधर। डबल इंजन कब लगता है मालूम, हमारा ट्रैक्टर एक फंस जाता है तो दूसरा उसको निकालता है, तो फंस चुका है वो तो अब निकालने वाले बहुत याद आएंगे। 800 की थैली थी 1470 में ले रहे हैं, और वो भी आधार कार्ड, अंगूठा नहीं लग रहा था, अंगूठा को यूं पहुंचे तेल से साबुन से, इसके बाद अंगूठा लग रहा है, ये कानून निकाले उन्होंने। अरे गया तेल लेने गया मामा तो, अरे क्या फायदा होगा ऊपर वाले को तो थोड़ा तो हमारा हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, मोदी जी के वहाँ जा रहा है पैसा, सारा सारा पैसा मोदी जी के पास। मामा जी को 18 साल हो गए, मामा जी जब शुरुआती में आए थे अच्छा काम किया, 50,000 की घोषणा करी थी मामा जी ने कि हर किसानों के खाते में 50,000 का कर्जा माफ करी थी, कहाँ हुआ, कहाँ, एक रुपया भी नहीं हुआ, देला नहीं दिया मामा ने। अच्छा, देला और आप उपा जी बनने की कोशिश कर रहे हैं, अब गया वो तो उधर 20 बीघे की खेती करना मामे को, बना लिया है आपको। अरे कहाँ जीजा बना लिया, बना तो लिया, तो कहाँ कहाँ आया, तो इस बार बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बदले, बिल्कुल पूरा पूरा बदल रहे। कितनी आएंगी इस बार सीटें, तो 140 से 50 के आसपास है। ऐसा तो नहीं कि कल है हो जाए। कैलाश 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 विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय सरकार बनाने को आया है। इतने बड़े चेहरे को ऐसे ही नहीं उतार दिया उन लोगों ने, के ऐसे ही पटक दिए, मतलब सोच समझ के उनको उतारा, उनने सोच समझ को 10 को उतारा। अरे तो हल्के में नहीं ले रहे, वो है ना जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। अच्छा हाँ मामा जी जो है ना जुमले वाली, वो घोषणा भी रहे, घोषणा पे घोषणा करे जाते हैं वो तो कुछ नहीं है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं मीरा राजपूत, इस समय हम है इंदौर जिले के शाहपुरा गाँव में, शाम का समय है, आधे लोग इनमें से दूध काटने जाने वाले थे, आधे लोग मुझे लगता है माता रानी की तैयारी में लगने वाले थे, क्योंकि ठीक पीछे मैं आपको दिखाऊं तो माता रानी का पीछे पंडाल लगा हुआ है, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो गांव में कुछ ऐसा माहौल है, इंदौर के गांव में कुछ ऐसा माहौल है, पर इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस ने भी जो अब उनका वचन पत्र था वो जारी कर दिया है, और उसमें 101 गारंटी दी है, 101 वादे किए हैं कि क्या वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए करने वाले हैं। इससे पहले ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने वादे किए तो किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, और अब भी सबसे महत्वपूर्ण जो कहीं ना कहीं कदम उन्होंने किसानों के लिए लिया है वो यही है कि 2 लाख के कर्जे की उन्होंने बात की है, कि 2 लाख कर्जा वो किसान का माफ करेंगे, साथ में महिलाओं को लेकर के एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कि क्या कुछ करने वाली है कांग्रेस पार्टी। वहीं भाजपा अपने हर दांव खेलने के लिए तैयार है कि किसी भी तरीके से उन्हें कुर्सी पर बैठना है, काबिज होना है फिर से। अब ये काबिज हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वही जनता है जो फैसला करके आएगी, बटन दबा करके आएगी। सीधे चर्चा की शुरुआत करते, वरना ऐसा ना हो निकल जाए। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीराम चौहान। तो चौहान साहब बताइए, इस बार माहौल क्या है, किसके लिए गूंज ये कड़क रहने वाली है, भाजपा के लिए या कांग्रेस? कांग्रेस की सरकार। अच्छा, कांग्रेस की बन गई, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत से, अभी तो वोट भी नहीं डाला। अरे वोट नहीं डाला, हम तो गांव में रहते हैं ना, बन गई दीदी कांग्रेस की सरकार। क्योंकि बीजेपी को 18 साल हो गए देखते देखते, और अगली बार भी जनता ने वोट डाले थे और कांग्रेस की सरकार बना दी थी। अच्छा, फिर क्या किया, फिर क्या किया, बहुमत में आपने लाया उनको। हाँ लाया और बनाया भी सही। हाँ। अब फिर क्या निकल गए, ज्योतिराज सिंधिया को दबाव डाला और कुछ गद्दारों ने देश को नीचे डाल दिया, 35-35 करोड़ रुपए में बिक गए विधायक और सरकार गिर के लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो सिंधिया जी ने मजबूती से आवाज उठाई और सड़कों पर। तो सिंधिया जी ने क्या किया, 5-5 लाख किसानों कर्जा माफ कर दिया क्या, क्या किया है सिंधिया जी ने? वो तो आप बता पाएंगे कि उधर जाने के बाद क्या किया, कुछ भी नहीं किया ना। भाजपा के सिंधिया में और कांग्रेस के, कांग्रेस में सिंधिया जी अगर रहते, कांग्रेस में अगर सिंधिया जी रहते तभी इस बार वो मुख्यमंत्री बनते। अच्छा। मुख्यमंत्री के दावेदार थे, अब भाजपा में गए क्या साबित हुआ उनका। और कमलनाथ जी ने 2 लाख रुपए तक की घोषणा करी थी किसानों का कर्जा माफ करेंगे जी। और करते शुरुआत भी करी थी। हाँ। अब कितने काम तो कायदे से कानून से ही होता है। हाँ। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट डाल दे, कागज भी चाहिए, खातेदार भी चाहिए, किसका क्या खाता है, टाइम तो देते और डाले थे 6 महीने में, 6 महीने भी नहीं है और 50,000 माफ कर दिए, 1 लाख तक के माफ किए। और जैसे ही 2 का नंबर आया सिंधिया जी ने हमारा साथ चोट कर दी
और धोखा कर दी और सरकारी नहीं थी। हाँ, हमारे साथ 2 लाख या कांग्रेस के साथ। मेरे घर में 3 खाते हैं, 6 लाख से घाटे में गया हूँ मैं। 2-2 लाख का अगर माफ होते तो मेरे 6 लाख माफ होते। मतलब आप कह रहे हैं नुकसान आपका भी हुआ? आपका मेरा हुआ ना नुकसान, और बिक गए। और खाद का भाव क्या है आज? 1470 रुपए। यूरिया की पोजीशन कितनी? लाइन में लगते किसान लंबी चौड़ी। अब तो लाइन ने खत्म कर दी। कमलनाथ जी ने क्या कहा था? 100 रुपए का बिल बिजली का, और उससे कम हाफ, और उसके बाद माफ 200 और किया भी था, और बराबर चल रहा था कायदे कानून से काम। सरकार बराबर चल रही थी, सही 60 चल रही थी, बीच में डावाडोल हो गया। बीच में फ्री में कुछ भी नहीं हुआ। 35-35 करोड़ रुपए का गड्ढी। हाँ, फ्री में कुछ भी नहीं होता, और अभी भी सरकार कांग्रेस की बन चुकी समझ लो मैडम। बस ये 2 बातें उन्होंने कही है कि सरकार हमने पहले ही बना दी है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अगर कमलनाथ को 5 साल मिलते तो अगला नंबर सिंधिया जी का था। आपको क्यों लगता है कि कमलनाथ के बाद अगला नंबर सिंधिया जी का था और उधर चले गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके हाथ से निकल गई? उनके कार अरे सिंधिया जी के कारनामे ही ऐसे थे। हाँ, तो उन्होंने डाला दबाव कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खोलूं तेरी पुरानी चिट्ठी क्या पोल? ऐसा दबाव डाला तो क्या करे बेचारा सिंधिया, गया बेमौत मारा गया उधर। अब क्या है, पंच भी नहीं होगा उधर। बिगर और क्या, दबाव में गया वो तो। संपत्ति की जांच हो सकती थी। अभी थोड़े से और भी मुद्दों पे बात कर लेते हैं। 101 गारंटी दी है, ये केवल घोषणाओं की झड़ी तो नहीं है कमलनाथ की? नहीं, कमलनाथ जी ने मामा को लेकर के आप कहते हैं कि भाई घोषणाओं पर घोषणाएं हो रही है, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एक साथ इतनी घोषणाएं कर दी? और मामा जी को 18 साल हो गए। मामा जी जब शुरुआती में आए थे अच्छा काम किया, 50,000 की घोषणा करी थी मामा जी ने कि हर किसानों के खाते में 50,000 का कर्जा माफ करी थी। कहाँ हुआ? कहाँ, 1 रुपया भी नहीं हुआ। देला नहीं दिया मामा ने? अच्छा, देला भी। और आप उपाजी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब गया वो तो उधर 20 बीघे की खेती करना मामे को। जीजा बना लिया है आप? अरे कहाँ जीजा बना लिया, बना तो लिया। तो कहाँ आया घर-घर में तैयार? कानून क्या निकाला? कानून? अच्छा मैडम, कानून क्या निकाला? पहले ट्रैक्टर लाओ, फिर वो फॉर्म भरो। 18 साल से कम वाले को आएंगे नहीं तो ये कानून? अरे दादा पैसे डालना दी, उन डाल दे। तू कहाँ लाइन में लगा रहा है? कितने ही तो वहाँ लड़े झगड़े कर रही है। अच्छा, और हमारे गांव में 50% भी नहीं आए। अच्छा, 50% भी नहीं आए किसी को? लाडली लक्ष्मी कोई भी नहीं है। एक बयान मामा जी का बहुत वायरल हो रहा है और मैं भी नहीं भूल पाती हूँ उस बयान को। उन्होंने कहा कि भैया मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। बहुत याद आएगा, वास्तव में बहुत तले याद आएंगे। बहुत तले दिए हमको। 7,000 की सोयाबीन हमने आज से 5 साल पहले बेची थी, और अभी की क्या पोजीशन है? 3500 रुपए बिक रही सोयाबीन। मुद्दों से याद आएंगे, फिर क्या करें? याद आएंगे, ऐसे याद आएंगे बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री। नहीं, बहुत याद आएंगे। 800 की थैली थी, 1470 में ले रहे हैं, और वो भी आधार कार्ड। अंगूठा नहीं लग रहा, अंगूठा को यूं पहुंचे तेल से, साबुन से, इसके बाद अंगूठा लग रहा। ये कानून निकाले उन्होंने इस बार? अरे गया तेल लेने गया मामा तो गया, और आशीर्वाद यात्रा निकली आशीर्वाद लेने के लिए। अरे आशीर्वाद यात्रा तो दिल में जगह बनाइए। सब ने शराब दे दिया आशीर्वाद की जगह। गया मामा तो गयो। ज्यादा ही वो उसमें लग रहे हैं, गुस्से से भरपूर है। आप बताइए जी, इस बार किस सरकार बना रहे? अच्छा, एक और बात, झूठ नहीं बोलना है, जो भी बोलना है सत्य बोलना है, क्योंकि माता रानी के पंडाल में आप खड़े हैं। बताइए किसकी सरकार बना रहे? कमलनाथ जी की सरकार बना रहे। कमलनाथ जी की बना रहे? बन पाएगी? नहीं, बिल्कुल बनेगी, 101% बनेगी। कैसे बनेगी ये बताइए? उनका मैनिफेस्टो देख लो आप, देखा है ना? अच्छा, ताकतवर है? बिल्कुल 100% लग रहा है कि उसमें दम है। बिल्कुल दम है ना, 2600 रुपए हमारे गाँव होने जा रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं डबल इंजन सरकार ले आएंगे तो फायदे में रहेंगे आप। डबल इंजन कब लगता है मालूम? हमारा ट्रैक्टर एक फंस जाता है तो दूसरा उसको निकालता है, तो फंस चुका है वो तो। अब निकालने वाले चलिए मामा से उब गए मोदी जी तो मामा जी का नाम भी नहीं ले रहे हैं। ग्वालियर में 1 घंटे भाषण हुए, 1 मिनट भी वो नाम नहीं लिया। मोदी जी किसान हक में नहीं है। हाँ, किसान के विरोध में है मोदी जी। किसान के लिए क्या मोदी जी ने क्या स्कीम दी किसानों को? मोदी जी ने ऐसी एक स्कीम बता दो आपके किसानों के हक में है? अच्छा, एक भी ऐसी स्कीम बता दो। मिल रही है, क्या होता जोरदार बातें? अरे गेहूं में मैडम बहुत ज्यादा नुकसान। जैसे आज 10 क्विंटल गेहूं होता है तो 100 रुपए अगर महंगा बिक जाता तो 2000 तो 10 क्विंटल पे ही हो जाता। तब 100 क्विंटल पे 10,000 कितना तले गए हम? इस बार समझ नहीं आ रही। नहीं आ रहा मोदी जी। चलिए आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जल्दी से, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार ने जो
जो शिक्षित बेरोजगार पे हैं, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद में और भी कहें तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर बहुत गरीबी लोग से बहुत अपनी पीड़ा को जाहिर करना चाहते हैं। और इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसमें आपको लगता है कि रोजगार का मुद्दा है? है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपन चाय पी रहे हैं ना तो खाते में मोदी जी के वहाँ पैसे जा रहे हैं अपने। अच्छा हाँ, मैं दुकानदार हूँ, मोदी जी के पैसे वहाँ जा रहे हैं। अगर तो आप खाना खाओगे ना तो मोदी जी के पास पैसे जाएंगे आपके, तो चाय वाले के पास जाएंगे ना भैया। जो 60 रुपए मैं जो 60 रुपए किलो तेल बेच रहा था वो आज वो 110 रुपए किलो है, 200 रुपए तक बेचा मैंने। अच्छा, तो अब लोगों को लेने में कितने उसमें जीएसटी लगे? बिल्कुल दुकानदार हूँ। तो सच्चाई बता रहे हैं कि भैया महंगा भी होता जा रहा है, तो बहुत बहुत काफी महंगाई वाला है दीदी। तो थोड़ा बहुत आपका, अरे क्या फायदा होगा ऊपर वाले को होता थोड़ा तो? हमारा हमारा कुछ भी फायदा नहीं है, मोदी जी के वहाँ जा रहा है पैसा, सारा सारा पैसा मोदी जी के पास जा रहा है जीएसटी का। मेरे दो बच्चे, देखो मेरी बात सुनो, मेरी पीड़ा मन की बता रहा हूँ। मेरे बच्चे आज दो बच्चे फाइनल ईयर से ऊपर की पढ़ाई चल रही है उनकी, एक ने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से करने के बाद में आप एमटेक बीटेक कर रहा हो, एक अभी एमए कर रहा है, मास्टर्स कर लिया। हाँ मास्टर्स कर लिया है। अब दीदी ये बताइए आपके, उनको आज रहने के लिए उनको इतनी अव्यवस्था जुटा पा रहे हैं वो कि हर चीज महंगाई बारे में खरीदना पड़ती है उनको। अच्छा, तो अब कैसे वो अपनी मतलब पूर्ति करेंगे? अभी बच्चों का भविष्य क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चे बिल्कुल निराश हैं, बच्चों बिल्कुल अटल फिर रहे हैं। उनको अगर काम भी नहीं कर पाते हैं वो, अगर आप घर बुला के बोलोगे कि यार बेटे ये काम कर दो यार बेटे, उनका जी नहीं लगेगा, बेचारे पढ़ाई कर रहे हो। चलिए भैया, तो इस बार बिल्कुल नहीं है, बदलेंगे, बिल्कुल बदले, बिल्कुल पूरा पूरा बदल रहे। कितनी आएंगी इस बार सीटें? तो 140 से 150 के आसपास है। अच्छा, पक्के में? तो भाजपा को हल्के में ले रहे हैं? अरे तो हल्के में नहीं ले रहे, वो है ना जुमलेबाजी वाली बात करते हैं। अच्छा हाँ, मामा जी जो है ना जुमले वाली वो घोषणा भी रहे, घोषणा पे घोषणा करे जाते हैं वो, तो कुछ नहीं है दीदी मेरा। दीदी बड़े नेता उतारे हैं आप इंदौर जिले में खड़े हैं, वो डर बड़े नेता वो तो उन्होंने डर से उतारे हैं। अच्छा। हाँ, उनको लग रहा है कि सरकार जा रही है, और बड़े नेता को डर से क्या उतारे, उनको भी निपटा देंगे वो तो। अच्छा। उनको निपटाने के लिए उतारे उन्होंने, समझ लो बिल्कुल। अरे सब 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 निपटने वाले, सब निपटने वाले, ऊपर से मंत्री से लगा के नीचे तक सब परेशान है। तोमर जी भी बिल्कुल परेशान है, अरे वो भी परेशान है, उनको भी मैंने देखता हूँ मैं मोबाइल के माध्यम से, तो वो भी बिल्कुल वो रन छोड़ के भग रहे हैं मैंने सुना। अच्छा हाँ, कि ये क्या होगा भैया, कह रहे हैं कि तोमर साहब परेशान हैं, रण छोड़ करके भाग रहे हैं वो। अच्छा, और बिल्कुल फोन में देखा ही आपने? बिल्कुल फोन में देखता रहता हूँ बैठे बैठे। क्या बताया फोन ने, ये बताइए जरा। अरे फोन में क्या मेरा दीदी, उसमें ये बताया कि वो बिल्कुल भी बिल्कुल इच्छा नहीं है, कैलाश जी की कोई इच्छा थोड़ी थी चुनाव लड़ने की। अरे उन्होंने तो बोला था कि मैं यार हेलीकॉप्टर में घूमूंगा और तीन तीन जगह हेलीकॉप्टर से भजन से ये करूंगा और गाड़ी का शो में करूंगा। उनको पता नहीं था कि मुझे चुनाव में उतार देंगे। हाँ, अरे यहाँ लाएंगे क्या, लाए और हुआ, इनकार भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब उन्हें हाँ, अब वो बोल रहे हैं कि बोले कुआ पीछे खाई, वो यूं वो हुआ और क्या हुआ। वो कह रहे मैं केवल विधायक बनने थोड़े आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी। हाँ तो बड़ी जिम्मेदारी, तो ये बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे अभी एक नंबर वाले उनको। अच्छा, अभी देख लेना आप, वो बोलते हैं ना कि मैं गली गली किसके पास जाऊंगा, मैं किससे वोट मांगता फिरूंगा, तो सब लोगों ने मन बना लिए। मैं देखता हूँ इसमें मोबाइल के माध्यम से मैं 1 लाख से जीतूंगा। अरे दीदी ये तो पता, जब वो ये तो पता दे रहे हैं कैलाश विजय, ये पता तो हम लोगों को जब चलेगा कि जब विधानसभा की जो खुलेगी ना पेटिया, और जब इनकी गिनती होगी और जब आखिरी में परिणाम आएंगे जब पता चलेगा। तो इस आपको बात लगता है कि इंदौर एक की जनता कुछ और करने वाली है? मैंने देखो, मैंने जो संजय शुक्ला मजबूत है या नहीं? अरे दीदी उन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की, कोरोना काल में उन्होंने घर घर जाके भोजन वितरण करवाया है, और किसी भी, मेरी बात सुनो, किसी भी गरीब व्यक्ति से या बड़े व्यक्ति से आप जाके उनके बारे में पूछ लेना कि वो कैसे व्यक्ति है, घर घर से वो घर घर से मतलब वकील है वो। हाँ। हर घर किसी के जाते हैं वो, तो लगता है कि और उनमें हाँ बिल्कुल। चलिए भैया बिल्कुल निकलेंगे, और 140 बताइए आप। अरे 140 ही आएगी। चलिए भैया आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं आपके दिमाग में? ये कहना चाहते हैं विशाल पटेल ही आएगा इस बार। आप अपने स्थानीय चेहरे की बात, स्थानीय के बाद नहीं, ठेठ तक की बात करेंगे, आएंगे कांग्रेस सरकार। अच्छा, आगे की भी करेंगे? हाँ, दिल्ली तक। आगे बताइए दिल्ली में किसको भेजने, अरे भोपाल बताइए पहले, कहा भोपाल में किसको भेजने? अरे भोपाल में तो बहुत सारे चेहरे हैं, किसी को कमलनाथ जी को बिठाएंगे ना पहले तो। अच्छा, पहले कमलनाथ जी को बिठाएंगे? हाँ,
तो लगता है कि वो भोपाल जाएंगे। हाँ जाएंगे, वो तो है ही, भोपाल में कहाँ जाएंगे। नहीं बात है भैया, कहने वाली कहावत के तौर पे कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के लिए उन्हें उनकी सवारी आगे बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे ना सवारी पक्की पक्की। किन मुद्दों के हिसाब से? अरे बहुत सारे मुद्दे है किसान के, तो सोयाबीन के, गेहूँ के, प्याज के, लहसुन के, हर मुद्दे आ रहे हैं। हाँ किसानी के मुद्दे में ना किसान संतुष्ट नहीं है, नहीं है ना। अभी गेहूँ का भाव कहाँ है और 45 किलो की यूरिया कर दी 50 किलो की जगह में, तो आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी? बराबर आएगी, आएगी। 1 लाख रुपया हमारा कर्ज माफ हुआ कांग्रेस। हाँ हाँ हुआ, ये हुआ। और अब भी लगा, अब भी आएगा, कमलनाथ जी आएंगे तो होगा पूरा। चलिए भैया, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात है। आप बताइए जी, भगवा पहना हुआ है कैसे आका जाए आपको, बताइए कि इस बार क्या करने वाले हैं? बीजेपी को ज्यादा पसंद करने वाले हैं या कांग्रेस को ज्यादा? बीजेपी को। अच्छा, बीजेपी को पसंद करने वाले हैं, किस हिसाब से बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद करने वाले? तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बता रहे खाद नहीं मिले। हाँ, कि भैया हमें खाद नहीं मिल पा रहा, यूरिया नहीं मिल पा रहा है। अभी कोई ना तो खाद की कमी है, नहीं है, नहीं कमी, बराबर मिल रहा खाद। इसके बाद में बिजली बराबर आ रही है, बिजली बराबर मिल रही है। इसके बाद में जी और विकास देखो उनके। हाँ। कितने विकास है, गांव से गांव रोड हो गया। हाँ। इंदौर, मतलब काम ही काम है। इंदौर देखो जी, इंदौर सिटी 1 नंबर में है। हाँ। मध्य प्रदेश 1 नंबर में है। हाँ। भारत 1 नंबर में। हाँ। मतलब ऊपर तक की बात कर रहा है। हाँ ऊपर तक की बात, इन लोगों ने इतने साल राज किए। हाँ। पहले ये विकास नहीं था, ये इन लोगों ने इतने साल किया राज। हाँ। कांग्रेस ने कितने? हाँ। साल राज किए। हाँ। पहले विकास नहीं थे, पहले यहाँ का, हमारे यहाँ का ट्रैक्टर इंदौर जाते थे तो उसको 3 घंटा लगते थे इंदौर जाने में, मतलब सड़कों की हालत खस्ता थी। हाँ, हाँ। कितने घंटे लगते थे? 3 घंटे। चलिए आप कह रहे पहले सड़कों की हालत खस्ता थी, एकदम खस्ता थी, और अभी सुधर गई है? अभी 1 नंबर सुधर गई। हाँ। वो 3 घंटे में तो वापस घर आ जाए किसान। अच्छा, 3 घंटे में वापस घर आ जाए, बराबर ट्रैक्टर से जाओगे। कि मामा जी आ पाएंगे या नहीं, या फिर कुर्सी इस बार खतरे में है? नहीं नहीं नहीं, खतरे में नहीं, वो तो बराबर है, बराबर आएंगे। पक्की बात, पक्की बात। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे मैं विधायकी के लिए थोड़ी आया हूँ, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी मुझे, ऐसा तो नहीं कि कलह हो जाए? कैलाश 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 विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय सरकार बनाने को आया है। अच्छा। इतने बड़े चेहरे को ऐसे ही नहीं उतार दिया उन लोगों ने। हाँ। कि ऐसे ही पटक दिए, मतलब सोच समझ के उनको उतारा? उनने सोच समझ को 10 को उतारा है। हाँ। कितनों का उतारा है? हाँ। 10 को उतारा है। हाँ। तो वो ऐसे ही नहीं उतारे है उनको। हाँ। वो बड़े चेहरे है। हाँ। वो मुख्यमंत्री का चेहरे है, मतलब कुछ बड़ी खिचड़ी है अंदर, बड़ी बड़ी खिचड़ी है, वो मुख्यमंत्री का चेहरे है। अच्छा, मुख्यमंत्री के चेहरे बराबर, फिर मामा का क्या होगा? अरे मामा का भी जो कुछ होगा, अरे है तो पार्टी के नहीं वो। हाँ। तुम है तो मीडिया वाले ने। हाँ। चाहे तुम हमारी रिकॉर्डिंग करो, चाहे वो रिकॉर्डिंग करे, कोई भी करे, कोई भी करे, बराबर बात है, बराबर बात है हमारे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हमारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे कैलाश बने मुख्यमंत्री या मामा बने, कोई भी बने, जो इनको तो उतार दिया, तुम जीत जीत का आओ। अच्छा, जीत जीत कर आओ, इसलिए उतारा, इसलिए इनको उतारे की भाई अपनी सरकार बनानी है, अब जीत का आओ। तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं उतारा है किसी भी बड़े चेहरे को, तो क्या भाजपा को पता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बार उनके सामने मजबूती से खड़ी है, इसीलिए उतारा है? ये भी मुझे जरा समझाइए, आप कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं उतारा है, तो वो तो उनके मजबूती से उतारा नहीं, तो लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत है उधर से, कांग्रेस कहते भाई सामने वाला मजबूत होता है तभी हम मजबूत कैंडिडेट उतारते हैं। उनने पहली बार इनको गिरा दिया। हाँ। 10 सीट से। हाँ। उनने 10 सीट बढ़ा ली। हाँ। उनकी 10 सीट बढ़ गई, उनने जो ऊपर से उतार, ऊपर से ऊपर ऊपर से मोटे चेहरे जो उतारे। हाँ, मोटे सारे। तो वे किस लिए उतारे? हाँ। किस लिए? अपनी सरकार के लिए उतारे, नहीं उनकी सरकार के लिए। हाँ। वो तो हराएंगे ही नहीं। वही तो पूछ रही हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस सामने से मजबूत है इसीलिए उतारा गया है? अरे तो वो तो दोनों मजबूत है, वो तो दोनों बराबरी से मजबूत है। बिल्कुल ये गलत बात है, बिल्कुल भी। हाँ, आप मानते कि भाजपा भी मजबूत है और कांग्रेस भी मजबूत है? जो जो मैदान में है, मैदान में जहाँ तक कुश्ती नहीं होगी तब तक तो वो बराबर ही रहेगी। चलिए भैया, वो कह रहे हैं जब तक कुश्ती नहीं होगी तब तक तो वो बराबर ही है, अभी आगे पता चलेगा कि क्या होगा। सीटें कितनी आने वाली है भाजपा की? कितनी सीटें आने वाली है भाजपा की? सीट कितनी है? सीट की मेरे को मालूम नहीं कितनी सीट है, बताओ। मालूम नहीं
कितने? 230 230 अभी बता दीजिए कितनी, 230 में से कितनी सीट है? सरकार बनने वाली है, सरकार बराबर बनेगी भैया, कह रहे सरकार बराबर बनने वाली है। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं, आप किसको फॉलो कर रहे हैं? हम बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं दोनों भाई भाई साथ में। नहीं, हाँ साथ वाला, हाँ साथ में, सब साथ में, सभी भाई भाई है, सभी सभी भाई भाई है, विचारधारा है अलग अलग, तो वो तो विचारधारा तो अलग अलग रहेगी, हम हमारी पार्टी का। आप अपनी पार्टी का सपोर्ट करेंगे तो आप भाजपा को क्यों पसंद कर रहे हैं? क्यों भाजपा ने ऐसा काम किया है जैसे अभी लोगों ने कहा कि यार बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया, हाँ। और ये सब लोग वहाँ जो बैंक में से मिलते सभी पैसे निकाल रहे हैं, हम भी निकालते थे, हाँ। तो सबको तो मिल रहा है और क्या, सबको मिल रहा है। और अभी इनने बताया कि सड़क योजना है, हाँ। पहले 4 साल में गाड़ी एक तरफ धरना पड़ती है, काम करवाना पड़ता है, 10 साल तक मोटरसाइकिल का नहीं बिगड़ता, ये कहाँ से आए ये पैसे? सरकार बीजेपी ने बनाया कि नहीं बनाया? और ये सब कह रहे कि आपने बताया था कि 101 वादा है नहीं, हाँ। अभी जो सरकार है नहीं और वादा कर रहे हैं, अभी ये सरकार है, हाँ। और वादा करेगी तो पूरा करेगी, अभी तो वो 18 साल से झूठे वादे क्यों करो? अभी इनने बोला कि झूठे वादे क्यों करो, पहले कोई काम हो तो करना चाहिए नहीं? 15 महीने में आपको लगा कुछ नहीं हुआ, इतना सब काम कर देंगे क्या आप बताइए? 18 साल से बीजेपी बैठ रही है, जब से ये सब बोल रहे हैं हम बैठेंगे, बीजेपी बैठ तो रही है ना, हाँ। तो काम करा है तो ही बैठ रही है। पिछली बार तो कांग्रेस आई थी, तो थोड़े दिन रही रही कहाँ रुकी क्या, हाँ। भाई अगर सही होती कांग्रेस काम करती मैडम तो ये लोग उनके समर्थक छोड़ के क्यों जाते? मतलब आप कह रहे हैं अगर पार्टी ठीक होती तो वो छोड़ के क्यों जाते? सवाल ही नहीं उठता। वजह क्या लगती है, सिंधिया जी क्यों गए? अब वो तो अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बात हम क्यों बताएं, सिंधिया जी की बुराई क्यों करें? सुनो कमलनाथ जी की बुराई क्यों करें, है नहीं? बीजेपी आएगी तो आएगी, और ये जो सब बोल रहे हैं ये तो ये भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी, ये सब बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी, मगर टाइम बताएगा बस। अभी मतलब बीजेपी एक आप मिनट लोगों में से ही पता चलता है कि सरकार में किसका ज्यादा माहौल चल रहा है। बीजेपी थी, बीजेपी अभी है, हाँ। और भरोसा है कि बीजेपी रहेगी, किसी के कहने से कोई मतलब है नहीं, और रहेगी बिल्कुल पक्की बात। पहले किसान का कर्ज माफ हुआ, हाँ, 50,000 हाँ हुआ 50,000 तक का, हाँ। और इसके बाद में कमलनाथ जी करते परंतु उनकी सरकार चली गई तो फिर वो स्थिर रह गया, फिर नहीं हुआ कर्ज माफ। अच्छा, करते पर उनकी सरकार चली गई तो फिर से किसानों का विश्वास कमलनाथ पर ही, कमलनाथ पे है, हो पाएगा या नहीं? होएगा, क्यों नहीं होएगा? जो भी वादे पिछली बार झूठी घोषणा कभी कांग्रेस करती ही नहीं है। अच्छा, झूठी झूठी घोषणा नहीं करती कभी भी। और भाजपा का काम कैसा? भाजपा का तो 27 घोषणा अभी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था उनको कि आपकी 27 घोषणा सब झूठी है, साबित हुई अभी शिवराज मामा की। भैया बहुत ज्यादा लॉलीपॉप दिया जा रहा है, लॉलीपॉप तो ये चुनाव के आगे आगे भी दिया, लाली महीना का भी वोट के लिए, हाँ। ये तो अभी सभी पार्टियां देती हैं वैसे, हाँ, तो दिया तो वो कांग्रेस तो जीतेगी जब ही देगी के। अच्छा, वो इनने पहले से दिया के शासन में। सीधी बात करती हूँ, आपको क्यों लग रहा है कि भाजपा की बातों में सच्चाई नहीं है ये बताइए? 18 साल के काम में कहाँ आपको कमी लगी? हम खुद कर्मचारी था, मैं खुद एनपीएस के अंतर्गत, मेरे को 1376 रुपए मासिक मिलता है, अब 1376 में क्या होता है ये बताओ आप। बताइए जी क्या करने वाले हैं इस बार? मैडम समस्या ये नहीं है सरकार कांग्रेस की बनेगी कि बीजेपी बनेगी, समस्या ये है या स्थानीय विधायक की, हाँ। आज तक, हाँ। जब से अपना देश आजाद हुआ, जब से विधानसभा बनी देपालपुर, हाँ। यहाँ बाहरी विधायक ही आए हैं, पैराशूट से उतारा गया जिनको, बाहरी चेहरे, जैसे अपन कांग्रेस से देखे तो विशाल पटेल को होता है बिछोली मर्दाना साथ है, हाँ। मनोज पटेल को देखे अपन तो पिपलिया पाला साथ है, हाँ। वो स्थानीय चेहरा आज तक कोई पार्टी ने नहीं दिया, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को स्थानीय चेहरा उतारा, स्थानीय चेहरा बहुत जरूरी, उसका कारण बताता हूँ। अभी एक महीने पहले 50 गाँव में चंबल किनारे बाढ़ आई थी, तो उस टाइम जब बाढ़ आई ना तो विधायक जी, वर्तमान विधायक जी और पूर्व विधायक जी दोनों अपने घर में छुपे थे, और स्थानीय विधायक का जो दावेदारी कर रहा है राजन चौधरी, वो गांव गांव घुमा, जीसीबी लेके घुमा, गांव के तालाब फूट रहे थे, हाँ। तो उस तालाब का पानी वो निकाला, हाँ। पाल वाल बांधी, और जिसके घर में पानी घुस गया था तो वहां से धीरे धीरे उन्होंने पानी को निकाला। आप मानते कि स्थानीय चेहरा आपके लिए कोई और मजबूत है? स्थानीय चेहरा बहुत जरूरी है। चलिए भैया अभी ये बताइए राज्य में क्या चल रहा है माहौल, क्या सोचते हैं राज्य, क्या सही और क्या गलत? राज्य कोई सरकार गलत नहीं है, कोई कांग्रेस की गलत नहीं है, कोई बीजेपी की गलत नहीं, समस्या स्थानीय उम्मीदवार नहीं राष्ट्र हित सर्वोपरि, अच्छा, जो राष्ट्र के हित में रहेगी पार्टी, हाँ। उसका साथ देंगे, पर अभी समस्या स्थानीय है, भाजपा है राष्ट्र हित में, बिल्कुल कांग्रेस नहीं है,
है? आज हमने भाजपा को पीछे क्यों रखा? क्यों उन्होंने हमको स्थानीय चेहरा नहीं दिया। अच्छा, भाजपा से आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है, क्यों नाराज नहीं होंगे? स्थानीय चेहरा नहीं दिया आपको। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, और यहाँ देखो आप मनोज पटेल, उनके पिताजी निर्भय सिंह पटेल, वंशवाद चल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं वंशवाद भाजपा में भी है? बिल्कुल है, क्लियर दिख रहा। चलिए भैया, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। आप बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? आप किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? कांग्रेस की। क्यों बना रहे हैं कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस की सरकार अच्छी काम करती है। अच्छा, काम करती है? हाँ। क्या क्या काम करती है ऐसे? उन्होंने 15 महीने में आए तो मुझे 2-3 काम बताइए ऐसे जो उन्होंने किए। पहला काम तो उन्होंने जो 50,000 तक का जो कर्जा था वो माफ किया किसानों का, फिर 1,00,000 तक का किया, और 2,00,000 का हुआ। हाँ हुआ। फिर 2 का करने वाले ही थे। हाँ। वो सिंधिया जी भाग गए। करने वाले ही थे। हाँ, वो सिंधिया जी भाग गए। हाँ। आप मानते हैं कि वो उनके कारण रुका? बिल्कुल उनके ही कारण रुका। वो तो सिंधिया जी रुका कि कांग्रेस संभाल नहीं पाई सिंधिया जी को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं संभाल पाई सिंधिया जी को? क्योंकि सिंधिया जी को जाना था ना। अच्छा, सिंधिया जी ने तय ही कर रखा? हाँ, उन्होंने तो तय ही कर रखा था। मैं जाऊंगा ही, मैं ही जाऊंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा, कोई समझौता नहीं करूंगा। तो इस बार आप क्या करेंगे? कांग्रेस हाँ। पूरा आने वाली है? आने वाली नहीं, बन गई वो तो। अच्छा, बन गई। हाँ। ये पूरा गांव ही बना बैठा है, पहले ही नहीं तो हमको पता है ना कि हम वोट कहाँ डालेंगे। अच्छा, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। तय किया हुआ है? बिल्कुल तय किया हुआ है। चलिए भैया, सभी ने बता दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, थोड़ा आकलन मैं कर लूँ। भाजपा को समर्थन देने वाले कितने लोग हैं? थोड़ा सा हाथ खड़े कर लीजिए उम्मीदवार। चलिए भैया, और कांग्रेस को समर्थन करने वाले? चलिए, ये यहाँ पर इस गांव में माहौल है, और कहीं ना कहीं आगे देखिए, कहीं भाजपा का माहौल ज्यादा है, कहीं कांग्रेस का माहौल ज्यादा है। ये टकराव तो चलता ही रहेगा, पर इस बीच में महत्वपूर्ण ये है कि वोटों का जो मार्जिन जिस सीट पर कम है वहां खतरे की घंटी ज्यादा है, और वो सीटें कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु भी बन गई है कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। पर जनता अपने सरकेस्टिक वे में क्या कह रही है, जनता अपने खुश मिजाज होकर के किसके हित में बोल रही है, वो आप ध्यान से सुनिए। और जो सरकार बीच में गिरी उसको लेकर के क्या आकलन लगा रहे हैं वो भी समझिए, साथ में जो वचन पत्र कांग्रेस ने जारी किया उसको लेकर के कितना उनके अंदर विश्वास है या कितना खफा है वो भी बातें बताइए। ऐसे ही लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।